चूहे और हाथी। एक घने जंगल में एक छोटे से तालाब था जहां एक समूह चूहे रहते थे। एक दिन वहां एक हाथी की झुंड आई जो अपनी प्यास बुझाने आई थी। चूहे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए डरे हुए बुद्धिमान पुराने चूहे के पास गए। बुद्धिमान चूहा ने एक योजना बनाई। उसने हाथियों के नेता के पास जाकर कहा, हे शक्तिशाली हाथी, हम चूहे छोटे हैं लेकिन हम आपकी ताकत को बहुत आदर करते हैं। हमारी परंपरा है कि हम सबसे शक्तिशाली जानवर की बहुत बड़ी पूजा आयोजित करके उनके साहस की सराहना करते हैं। क्या आप हमारे मुख्य अतिथि बनना चाहेंगे? इस प्रस्ताव से प्रभावित होकर हाथी ने सहमति दी। चूहे ने विभिन्न स्वादिष्ट फलों और अच्छे नट्स के साथ एक विशेष भोजन का आयोजन किया। जबकि हाथियां भोजन का आनंद ले रही थीं, बुद्धिमान चूहा अपने साथियों को बुलाकर बोला, तेजी से चलो, उनकी सूंड बांध दो जब वे खा रहे हैं। चूहे ने बिना उन्हें ध्यान दिए हाथियों की सूंडें एक साथ बांधी। जब भोजन समाप्त हुआ, हाथियां चलने का प्रयास करने लगीं, लेकिन उनकी सूंडें एक दूसरे से बांधी गई थीं। चूहे अब नियंत्रण में स्थिति की स्पष्टीकरण किया और हाथियों से निवेदन किया कि उन्हें हानि नहीं पहुंचाए। हाथियां चूहों की चालाकी को समझते हुए उनके साथ वाद विवाद करने के लिए सहमत हो गईं। कहानी का सिखावा है कि बुद्धिमत्ता शक्ति को परास्त कर सकती है और हानिकारक स्थितियों का समाधान करने में हास्यपूर्ण योजना एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है।